तो भाई लोग कैसे हो, वेलकम दी बैक दी वेलकम, एक ब्रांड न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जाने वाले गाइस अजगर को देखने के लिए, और वो भी बहुत बड़े जंगल के अंदर। तो गाइस आपने फिल्मों में देखा होगा कि अजगर कैसा होता, आज हम आपका भाई रियली में बताएगा। तो आज का सफर जंगल में शुरू होने वाला, क्योंकि गाड़ी जाती नहीं है वहाँ, ठीक है। तो चलो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस अब हमारा सफर शुरू होता है इस बड़े जंगल के अंदर, और हमको ये एग्जैक्टली पता नहीं है कि अजगर किस जगह पे लगा हुआ, पर मगर हमको थोड़ा सा कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पर है, तो हमको ढूंढना पड़ेगा वहाँ जाके। तो चलो फटाफट से चलते हैं जंगल के अंदर। और ऑलरेडी हमारे जो दो या टीममेट आगे चल चुके हैं, वो देखेंगे फिर बताएंगे कि कहाँ पर है, और हम पीछे पीछे जा रहे हैं। तो चलो आ जाओ भाई। और गाइस डर भी लगता बहुत है मुझे, क्योंकि जो अजगर जैसी चीज़ है ना, बहुत ही डेंजरस है। तो कोई बात नहीं, आपका भाई आपको सब कुछ बताएगा। चलो straight on the plane, we were flying to the mountain, all across the ocean, and there we go again, walking in the streets, lost in new places, a million new faces, diving deeper in the world, riding on the road, into the unknown. राइट गाइस, तो हम लगभग यहाँ पर आते आते 25 मिनट हो चुकी है, और हम देख सकते हो चारों तरफ ही जंगल है, आप देख सकते हो। ऑलराइट, तो आपने देख ही लिया कि चारों तरफ जंगल है, और हम जिस अजगर की बात कर रहे थे और जिस चीज को देखने के लिए आए, वो पेड़ लगभग यहाँ से लगभग दिख ही रहा, मैं यहाँ पर आपको जूम करके बता रहा हूँ, इस पेड़ पर है गाइस। तो चलो फटाफट से वहाँ चलते हैं, और इस वीडियो के लिए एक आप लाइक कर देना, और आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो फटाफट चलते हैं। तो गाइस लगभग हम आज जंगल में चलते चलते 30 मिनट होने आ चुके, और हम जहाँ पर आने था हमारा, और यहाँ पर हम आ चुके, और इसी महुए के ऊपर वो जो बड़ा सा अजगर है लगभग 15 फीट का होगा, और इसके पास में हम नहीं जाएंगे गाइस, जाएंगे मगर कुछ थोड़ी हम सिक्योरिटी के साथ जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही फालतू के ऐसे ही चले जाना कोई यार जोखिम भरा हो सकता है, ठीक है। तो गाइस चलो चलते, और इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना। तो चलो भाई दिखाओ, सेफ्टी से चलना, ठीक है, धीरे धीरे जा, हिलना मत, कुछ हिलना नहीं चाहिए, धीरे धीरे चल, धीरे धीरे चल। तो गाइस आप देख सकते हो, हम जिसको देखने के लिए आए थे, वो अजगर यहाँ पर बिल्कुल ही वो महुए के पेड़ के साथ लिपट रखा है। और गाइस हवा ज़्यादा चल रही है, इसलिए थोड़ी सी बैकग्राउंड वॉइस में दिक्कत होगी, मगर सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मगर ये देख सकते हो कि हम यहाँ पर आ चुके हैं, और आप ये देख ही सकते हो कि किस तरीके से लिपट रखा है। और गाइस हमने यार इसको बहुत ही जगह पे ढूंढा, इसके बाद हमको ये पेड़ के ऊपर मिला, और देख ही सकते हो कि यार किस तरीके से पेड़ के ऊपर लिपट रखा है। और आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा हो लगा होगा, यार हमारे रिस्क के लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो देखो गाइस किस तरीके से है ये। और गाइस एक बात बताऊँ कि यार यहाँ पर बैकग्राउंड में वॉइस ज़्यादा आ रही है, तो सॉरी इसके लिए। तो गाइस देखो कि ये किस तरीके से, मेरे हिसाब से लगभग ये लगभग 14 या 15 फीट का तो होगा ही, मगर ये ऐसे नापा नहीं जा सकता, क्योंकि वो लिपट रखा है एक डाल पे, इसलिए
देख सकते हो आप। तो गाइज आपने देखा कि कितना बड़ा अजगर था, मेरे हिसाब से लगभग 14 या 15 फीट का होगा। और वो जो महुए का पेड़ आता है उसके चारों तरफ लिपट रहा था यार। हमने कुछ ही कैमरे के अंदर रिकॉर्ड किया है तो आपको बताया कि, तो यार इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। और देखो आपका भाई इस जंगल के अंदर आके, देखो मुझे भी कुछ पता नहीं था, मगर हमारे गाँव में कुछ बातें हो रही थी कि यहाँ पर अजगर आया अजगर आया, तो हम भी चले यार और हमारे ऑडियंस को भी दिखाए कि किस तरीके से होता है, ठीक है। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और इस वीडियो के लिए आप लाइक तो बनता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।